हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में आप 2018 में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख सकते हैं। ये पेपर पेन से एग्ज़ाम हुआ था। आजकल जो एग्ज़ाम होते हैं वो ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं। यही शायद लास्ट एग्ज़ाम था जो कि पेपर पेन से हुआ था। इसके बाद जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा नेट के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये वीडियो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। इस एग्ज़ाम में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो सभी क्वेश्चन हैं वो दो दो नंबर के थे, और सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट से और फिफ्थ तक जो क्वेश्चन है इसमें, ये डाटा दिया हुआ था टेबल में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। चावल का वर्षवार उत्पादन, निर्यात और प्रति व्यक्ति उपभोग, ये दिया हुआ है। वर्ष उत्पादन, निर्यात, प्रति व्यक्ति उपभोग, इनसे रिलेटेड आगे 5 क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं। वर्ष 2012 से 2016 की अवधि में चावल का औसत उपभोग कितना है? तो जब इसको सोल्व करते हैं इन डाटा के बेस पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो है थर्ड। आप चाहे तो इनको सोल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 में देश की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड। नेक्स्ट है, किस वर्ष की अवधि में निर्यात और उपभोग का अनुपात सर्वाधिक था? तो ये है 2012 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में चावल के उपभोग में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये हुई है 2014 में। देश की जनसंख्या किस वर्ष में सर्वाधिक थी? ये है 2016 में। मैं ये जो क्वेश्चन बता रही हूँ ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है, और कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में पेपर प्रोवाइड करो, तो मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में भी दिखा रही हूँ, वो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए, जिसमें पहले लघुतम इकाई से प्रारंभ करते हुए दीर्घतम इकाई की ओर चलते जाइए। तो इसमें जो सबसे छोटी है वो होती है बिट, और उससे बड़ी होती है बाइट, बाइट से बड़ी होती है किलोबाइट, उसके बाद होती है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, और इनसे सबसे ज़्यादा होती है टेराबाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड। नेक्स्ट है, भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है फर्स्ट, अशोधित वाहित मल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईमेल फील्ड्स में से स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पतों को जान सकेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ram@test.com, raj@test.com, ravi@test.com। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अभिकथन दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है। अतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। इसके पीछे रीजन दिया हुआ है, अंतः पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। तो इसमें से जो ए और आर, ये दोनों ही सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया फोर्थ। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किसमें पीएचडी कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है? तो ये होती है IITs और IISc के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों के सही क्रम की पहचान कीजिए। ताप विद्युत संयंत्र, विशाल जल विद्युत परियोजनाएं, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव मात्रा तथा लघु जल विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित हैं।
भारत में विद्युत उत्पादन में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो है ताप विद्युत संयंत्र का। फिर उससे जो कम है वो है विशाल जल विद्युत परियोजनाओं का, और उससे कम है नवीकरणीय ऊर्जा का, और इनमें से जो सबसे कम है वो है परमाणु ऊर्जा का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो बी है और जो डी है ये सही है। जो जेंडर बजटिंग है इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, और यह एक और बजटिंग नव उन्मेष है। इट इज अनदर बजटिंग इनोवेशन। एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार कम है और अधिक लघु है, तथा अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग होता है। इसको बनाने में निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है? तो इसको बनाने में सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है, विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती है। इसमें ए बी सी और डी ये सभी सही दिए हुए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ। विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती है केंद्रीय सूचना आयुक्त का, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का। नेक्स्ट है, प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका किस में उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है ए बी सी और डी, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में, बंजर भूमि के विकास में, बांध और जल धारण संरचनाओं में, और ईट उद्योग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिक केंद्रित प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। इसमें जो बाधाएं हैं वो है ए और बी। सरकारी नौकरशाहों की सख्त और अनम्य अभिवर्ती, कानूनों और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन। विश्व में भारत की विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वो सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी शब्द पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें भी क्यू है वो सही है। आईसीटी के अंतर्गत वे परिणामी प्राविधिकी सम्मिलित है जिसके अंतर्गत श्रव्य, दृश्य, दूरभाष और कंप्यूटर संगणक नेटवर्क एक साथ समान केबलिंग प्रणाली द्वारा संयोजित किए जाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में देख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो सेट दिए हुए हैं, एक तरफ शिक्षण विधि दी हुई है और दूसरी तरफ दूसरे सेट में उनकी सफलता या प्रभाव उत्पादकता की मूल आवश्यकताएं दी हुई है। तो जो ए है वो है व्याख्यान देना। तो व्याख्यान देने के लिए क्या जरूरी है? स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण। नेक्स्ट है, समूहों में चर्चा डिस्कशन इन ग्रुप्स, इसके लिए जरूरी है प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी। नेक्स्ट है, विचारावेश प्रक्रिया ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसके लिए बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना। और नेक्स्ट है, अभिकर्मित अनुदेशन की पद्धति प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर,
तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, शोध सारांश को तैयार करना या प्रिपेयरिंग रिसर्च समरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है, नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर को चुनिए, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, ए सी और एफ। शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित हैं, समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है, और शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सेट दिए हुए हैं, एक तरफ रिसर्च टाइप दी हुई है और दूसरे सेट में उसकी करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, तो बताना है कि कौन से रिसर्च की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है वो होती है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है मौलिक शोध या फंडामेंटल रिसर्च, तो इसकी जो विशेषता होती है वो होती है सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रभाव उत्पादक व्याख्या को विकास करना। नेक्स्ट है व्यवहार शोध या अप्लाइड रिसर्च, इसकी विशेषता होती है विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत की प्रयोज्यता की खोजबीन करना। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च, इसकी विशेषता होती है हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से प्रचलित स्थिति में सुधार लाना। नेक्स्ट है मूल्यांकन परक शोध, इवेल्युएटिव रिसर्च, इसकी जो विशेषता होती है वो होती है हस्तक्षेप के अनुभूत प्रभाव का पता लगाना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलाप के किस पहलू से संबंधित है, तो ये संबंधित है थर्ड से, साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, समस्या को परिभाषित करना, समस्या के कारणों की पहचान करना, समग्र को परिभाषित करना, प्रतिदर्श का चयन करना, आंकड़ों का संग्रह करना और परिणामों का विश्लेषण करना। कोई भी जो साइंटिफिक मेथड है उसमें कौन कौन से रिसर्च के स्टेप होते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो डिफाइन की जाती है, उसके बाद आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग ए पॉपुलेशन, इसके बाद सैंपल लेते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं और उसके बाद एनालिसिस करते हैं, तो ये सभी इसके स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है, तो इसमें होता है नियोजन, क्रियान्विति, प्रेक्षण करना, गहन चिंतन करना, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। नेक्स्ट है, नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर को चुनिए, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डी और एफ। शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है और शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना
होना चाहिए, और तर्क दिया हुआ है समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। तो नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें जो ए है वो सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। जो सेकंड है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 31 से और 35 तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पैराग्राफ से रिलेटेड थे। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, सैकेंद्रिक प्रौद्योगिकीय शक्ति का विकास। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति में किसका मार्ग प्रशस्त होगा। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, बी, सी और डी। मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी, निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन, अत्यंत गरीब लोगों को सबसे अधिक नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी आगतों के लाभ का परिणाम होगा। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, हमारे लोगों की गरिमामयी जीवन तक पहुंचाना। नेक्स्ट है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चौथे आयाम को इंगित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, ए, सी और डी। जन आकांक्षाएं, आधुनिक गतिशीलता नहीं होगा, जन आकांक्षाएं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था और सामरिक हित, यह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक है प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग। नेक्स्ट है, एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा, इनके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। यह महिला राकेश की क्या लगती है। तो ये महिला राकेश की बहन लगती है। करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट है, मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय सही है। तो इसमें से ए, बी, सी और डी, ये चारों सही है। अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीप्त कर सकते हैं। संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। संप्रेषण एक सार्वभौमिक समाधान नहीं है। संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी अभी कथन और तर्क दिया हुआ है। शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों के बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। तो इसमें से जो ए है वो गलत है, लेकिन जो आर है वो सही है। थर्ड इसका आंसर होगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इन क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा की श्रेष्ठता किसी एक विषय के बारे में उसकी एकाग्रता शक्ति पर उसी प्रकार निर्भर करती है जिस प्रकार कान के दर्पण उस पर पड़ने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर संग्रहित करता है। उपरोक्त कथन में किस प्रकार का तर्क निहित है। तो इसमें जो कथन है वो है सादृश्यता। और ये इस प्रकार का क्वेश्चन है वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, और मोस्टली उसका जो एग्जाम होता है वो यही होता है, सादृश्यता, एनालॉजिकल। नेक्स्ट है, यदि वाराणसी का कूट WCUESGZQ है तो कोलकाता का कूट क्या होगा। इसको सोल्व करने के बाद जो इसका आंसर होगा वो होगा थर्ड। थर्ड इसका सही आंसर होगा। सॉरी, 46 क्वेश्चन नंबर रह गया था। कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों को स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है। तो ये आधार है निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा का। 46 का फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसमें भी अभी कथन और तर्क दिए हुए हैं। कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वितकारी प्रक्रिया है। कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता कि छात्रों की अनुक्रियाएं सउद्देश्य होती है। तो इसमें से जो ए है वो सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। सेकंड इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सीरीज दी हुई है, बताना है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो कौन सी होगी। तो इसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो होगी 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो आधार वाक्य ए और बी दिए हुए हैं, चार निष्कर्ष निकाले गए हैं, उस कूट का चयन कीजिए जो वैध रूप से निगमित निष्कर्ष को दर्शाता है। आधार वाक्य है, अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से फिट हैं, अधिकांश गायक नर्तक हैं। इसके बेस पे जो चार निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो इनमें से जो इसका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, बी और सी। अधिकांश गायक शारीरिक रूप से फिट हैं और अधिकांश शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति नर्तक हैं। ये नेट के एग्जाम में पूछे गए, पेपर फर्स्ट में पूछे गए 50 क्वेश्चन हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप एच टेट, सी टेट, नेट या फिर JBT या BEd के स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।